हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए, उत्तराखंड स्टेट में मेडिकल एडमिशन MBBS और BDS के लिए जो भी काउंसलिंग शेड्यूल, फीस और सीट मैट्रिक्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन है जो वो कल से चालू हो चुके हैं और वो आने वाला कल यानी कि 30 जून 2019 तक आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक ओपन स्टेट है, यानी कि इनके प्राइवेट कॉलेजेस में कोई से भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो वाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ के प्राइवेट में ले सकते हैं, बिकॉज ये एक ओपन स्टेट है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। तो वही सबसे पहले मैं इनकी वेबसाइट पर, जैसे हम जाते हैं hnbumu.ac.in यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल साइट पर जाते हैं। उसके नीचे आप ज़रा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर NEET UG 2019 काउंसलिंग न्यू करके दिखेगा आपको, अप्लाई ऑनलाइन के सेकेंड वाली लाइन में। तो अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी वेबसाइट खुलेगी और जिसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड पर कैंडिडेट्स पोर्टल में सीट मैट्रिक्स, स्टेट कोटा, सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया, मैनेजमेंट कोटा, काउंसलिंग शेड्यूल और डाउनलोड पोर्टल पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। और राइट हैंड साइड पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसकी साइट पर जाकर हम सबसे पहले इसका काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं। तो काउंसलिंग शेड्यूल में आपको बता दूंगा, इस फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग MBBS और BDS के लिए 28 जून 2019 यानी कि कल 2 बजे से स्टार्ट हो चुका है और आने वाले कल यानी कि 30 जून 2019 को रात के 11 बजे तक वैलिड रहेगा। आप तब तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये एक ओपन स्टेट है गाइस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड में ले सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक स्टेट मेरिट लिस्ट राउंड 1 ऑन वेबसाइट 1 जुलाई 2019 को सुबह 11 बजे के बाद होगा। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आप 1 जुलाई 2019 से सुबह 11 बजे के बाद से 2 जुलाई 2019 रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद डाटा प्रोसेसिंग 3 से 4 जुलाई तक रहेगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट आपका 5 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएगा रात को 10 बजे के बाद। तो गाइस, लास्ट डेट है जॉइनिंग अलॉटेड कॉलेज की 12 जुलाई 2019 और ऐसे ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 15 जुलाई से 22 जुलाई तक होगी। और तो गाइस, उसके लिए मैं सेकेंड राउंड के लिए दोबारा से उसमें वीडियो बना दूंगा अभी फर्स्ट। और इसमें मैं आपको बता दूँ, आपको इसमें अलग अलग राउंड में अलग अलग फीस जो है वो देनी है, अभी मैं अगले पेज पर उसको बताऊंगा। इससे पहले हम इसका मैनेजमेंट कोटा की सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून MBBS में 75 सीट्स हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स ओनली। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जौलीग्रांट देहरादून में 75 सीट्स हैं MBBS की। और अगर BDS की बात करें तो सीमा डेंटल में 50 सीट्स हैं और उत्तरांचल डेंटल में 50 सीट्स हैं। गाइस, इसके अलावा स्टेट कोटा की हम सीट्स देखते हैं तो आप अलग अलग कॉलेज की अलग अलग सीट देख सकते हैं। GMC हल्द्वानी में 106 सीट्स हैं और इसमें अनरिजर्व के लिए 56, रिजर्व SC के लिए 20, OBC के लिए 15, ST के लिए 4 और EWS के लिए 11 सीट्स हैं। तो गाइस, इसमें EWS की भी सीट्स दी हुई हैं, आप अपने कॉलेज, आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं आप सारे कॉलेज की देख सकते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये श्रीनगर की हैं, इसमें 106 सीट्स हैं और जो कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के लिए 56, रिजर्व SC के लिए 20, OBC के लिए 15, ST के लिए 4 और EWS के लिए 11 सीटें हैं। इसके बाद दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में टोटल 149 सीट्स, जनरल के लिए 79, SC के लिए 28, OBC के लिए 21, ST के लिए 6 और EWS के लिए 15 सीट्स हैं। 75 सीट्स हैं गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून में और अनरिजर्व के लिए 39, SC के लिए 14, OBC के लिए 11, ST के लिए 3 और EWS के लिए 8। इसके अलावा जो मैं आपको कैटेगरीज बता रहा हूँ उसके अलावा भी जो आप हॉरिजॉन्टली आप कैटेगरीज देख रहे हैं, ओपन, FF2%, DPW5%, इसको आप खुद आप चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। इसके अलावा हिमालयन में 75 सीट्स हैं जिसमें जनरल 39, SC 14, OBC 11, ST 3 और EWS 8। अब BDS की बात करें तो 50 सीट्स है सीमा डेंटल ऋषिकेश में, 26 जनरल, 10 SC, 7 OBC
एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। 50 सीट्स हैं मजरी ग्रांट उत्तरांचल डेंटल कॉलेज में, जनरल 26, एससी 10, ओबीसी 7, एसटी 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट इसमें भी अवेलेबल है। इसके अलावा बात करते हैं गाइज हम काउंसलिंग फ़ीस की, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो इसमें फ़र्स्ट और सेकेंड राउंड के लिए 3000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस है और 2000 है मॉपअप राउंड के लिए। तो गाइज ये इसकी फ़ीस है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी अमाउंट आपको बता दूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10000 रुपये है और एसटी एससी एसटी ओबीसी के लिए 5000 रुपये है, उत्तराखंड डोमिसाइल ओनली, जो उत्तराखंड डोमिसाइल जिनके पास है उनके लिए। ओपन वालों की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1,00,000 रुपये सारी कैटेगरी के लिए फ़ीस है सिक्योरिटी अमाउंट, और प्राइवेट डेंटल में 10000 रुपये सारी कैटेगरीज़ के लिए। तो गाइज इसमें मैंने आपको बताई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर हम कैंडिडेट्स की जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो चाहिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए उसकी लिस्ट आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मेन मेन चीज़ है ऑलमोस्ट आपको पता ही है, मैं टाइम टाइम पर आपको बताते रहता हूँ। हाई स्कूल 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, नीट यूजी 2019 एडमिट कार्ड, नीट यूजी 2019 रिजल्ट रैंक लेटर, ये दोनों इशूड बाय एनटीए होने चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, तो वैलिड आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो ये सब आप अपने साथ ऑनलाइन जब आप काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वैसे इस वीडियो में मैंने आपको सीट मैट्रिक्स, फीस, काउंसलिंग फ़ीस शेड्यूल, काउंसलिंग शेड्यूल, ये सब आपको बताया है। तो गाइज़ ऐसी रेगुलर अपडेट्स हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे, उसके लिए हमारा चैनल शेयर रनिंग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, उससे हमारी तरफ से कोई भी अपडेट आएगी तो आपके फ़ोन या लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइज़ मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।